पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों, बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं। प्रभु यीशु प्रेरितों के बीच में से स्वर्ग चले गए और पिता के दाहिने विराजमान हैं। वैभव, सामर्थ्य और महिमा के साथ प्रभु यीशु ने जो हमारे आगे गए हैं, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। सुंदर त्यौहार है। आइए आज के इस मिस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए बड़ी नम्रता के साथ हम अपने पाप स्वीकार करें और पिता परमेश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पापी पर प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी दयालु पिता, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारा शीर्ष है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रहें। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे ता पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित। ए थिस्सलियो, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखभोग के बारे में 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वह यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस दिन प्रतीक्षा के विषय में बता दिया है। यूहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसे इसराइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जयकार के साथ आगे बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, समस्त पृथ्वी पर महान है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, तुरही के घोष के साथ आगे
राज्य करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, दुर्गी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का सुसमाचार है।
क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और बच्चों, आज के तीनों पाठों के दो मुख्य बिंदु है जिस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और ये दो बिंदु है स्वर्गारोहण और मिशन, स्वर्गारोहण और मिशन। तो आइए पहले हम स्वर्गारोहण के बारे में चिंतन करें। प्रभु यीशु पिता के यहां से आए और अपना मुक्ति कार्य समाप्त करने के बाद वो पिता के पास लौटे। वो स्वर्ग में आरोहित किए गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। प्रभु यीशु पिता की दाहिने ओर महिमा के साथ, सामर्थ्य के साथ, वैभव के साथ उपस्थित हैं। ये है स्वर्गारोहण। ये हमारे जीवन में क्या माने रखता है? सबसे पहले प्रभु यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, हम प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु ने हमसे आगे जाकर हमारे लिए जगह का प्रबंध किया है स्वर्ग में, ताकि हम उनके साथ रहें और उनके महिमा में भागी हो सकें। स्वर्ग का द्वार प्रभु ने खोल दिया है, हम प्रवेश कर सकते हैं, महिमा प्राप्त कर सकते हैं। हम ये पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग राज्य के लिए बनाए गए हैं। स्वर्गी हमारा लक्ष्य है, स्वर्गी हमारा गंतव्य है। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु पिता के दाहिने विराजमान है, क्या वहां चुपचाप बैठे हैं? नहीं, वहां एक महापुरोहित के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इंटरसीड्स फॉर अस, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा पक्ष लेते हैं और हमारा बचाव में उतरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंसान क्या है, क्योंकि वो खुद इंसान बने थे। हमारा बचाव में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं। मानो ये प्रार्थना करते हैं पिता से, हे पिता, तेरे बच्चों को मैंने इतना प्यार किया, अपना प्राण अर्पित कर दिया, अभी उनकी तू देखभाल कर, उनकी सुधि ले, उनको संभाल। लगातार प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात, प्रभु ने कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो प्रभु का जाना अनिवार्य था, ताकि पवित्र आत्मा आए, प्रेरितों पर उतरे। इसलिए आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, यरूशलेम में ही रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो तीसरी बात, सबसे बड़ा वरदान प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाकर हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करते हैं। इसलिए आने वाला इतवार पेंतेकोस्त है, पवित्र आत्मा का इतवार है। लगता है कभी कभी जब हम सोचते हैं स्वर्ग में प्रेत, स्वर्ग के बीच से प्रभु ऊपर चले गए, है ना, ऊपर चले गए। कहां ऊपर? ऊपर तो कुछ नहीं है ना, ऊपर चले गए। कहां गए? हमको छोड़ के गए, हम क्या अनाथ छोड़ के गए? जरूर प्रभु यीशु शारीरिक उपस्थिति नहीं है अभी, प्रभु यीशु की शारीरिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन वो एक गहरे रूप से, एक नई तरीके से वो उपस्थित है। इसलिए आज के सुसमाचार का अंतिम वाक्य हमने सुना, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं। इसके अलावा मिशन जो है, यह स्वर्गारोहण से जो जुड़ा है, जब प्रभु आरोहित होने के पहले प्रेरितों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं विश्व के एक छोर से दूसरी छोर तक मेरा साक्षी बनो, जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और मैंने जो तुम्हें सिखलाया है उसका पालन करने के लिए उसको सिखाओ, मैं तुम्हारे सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहता हूं। इसका मतलब सुसमाचार की घोषणा, मिशन,
प्रभु का साक्षी बनना, किस चीज का साक्षी बनना, कि क्रूसित प्रभु जीवित हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, उसी को स्वीकार करने से हमारे हमारी मुक्ति होती है, हमें मुक्ति मिलती है उनको स्वीकार कर। ये है, इसके बारे में हमें साक्षी देना है। जब हम मिशन या इवेंजलाइजेशन या सुसमाचार की घोषणा के बारे में जब सोचते हैं तो ये एक चीज बहुत जरूरी है। प्रथम और बुनियादी चीज क्या है? यह है, हमें सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताना है, हमें खुद सुसमाचार बनना है, हमें खुद यीशु मसीह को धारण करके यीशु मसीह के सदृश हमें बनना है, हमें खुद सुसमाचार बनना है। तब हमारा जीवन एक संदेश होगा, जीवन ही प्रवचन होगा, जीवन ही सुसमाचार की घोषणा करेगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल विटनेस। इसके अलावा जब मिशन के बारे में हम सोचते हैं, मिशन बहुमुखी है, मिशन के कई पहलू हैं, दो तीन पहलुओं पर हम चिंतन करें। सबसे पहले हम प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रवचन देते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हैं। और जो प्रभु का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, जो सुसमाचार का आनंद हमें मिलता है, इसको हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। शेयरिंग द गुड न्यूज, इसको हम साझा करते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ द गुड न्यूज। इसके अलावा और कई अन्य पहलू हैं। ये महत्वपूर्ण पहलू यह है, सेवा द्वारा विनम्र और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा द्वारा हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बनते हैं और प्रभु यीशु मसीह की साक्षी बनते हैं। दीन दुखी गरीब लाचार अनपढ़ घायल इंसान की जब हम सेवा करते हैं, हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बनते हैं, उनके हम साक्षी देते हैं, विनम्र सेवा, निस्वार्थ सेवा। और आज के परिवेश में, आज के वर्तमान में ये सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या हो रहा है इस देश में, एक तो कोरोना की महामारी, दूसरा लॉकडाउन, और कल परसों तूफान, भयानक तूफान बांग्लादेश में, बंगाल में और उड़ीसा में। लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और विशेष करके लॉकडाउन के द्वारा जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज का मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, रोज कमाना और रोज जीना, और नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, हजारों के प्रवासी मजदूर, हजारों की संख्या में अपना घर वापस जा रहा है। कभी कभी हम देखते हैं बिना चप्पल छोटे छोटे बच्चों को माँ अपने गोद में ली है, और जवान लड़का लड़की लोग क्या कर रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर उठाकर चल रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, और चल रहे हैं। ये दशा है, ऐसी दशा है, लेकिन ये खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है। बहुत से अच्छे लोग हैं हर धर्म में, अच्छे लोग हैं हर धर्म में, वो सेवा में उतरे हैं, वे उनको राशन देते हैं, वे उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पका हुआ भोजन देते हैं। मैं जानता हूं इसके बारे में, इलाहाबाद में भी एक ग्रुप है जागृत समाज सिविल सोसाइटी और इलाहाबाद हेल्प ग्रुप से नाम से वो ग्रुप है। उन्होंने लाखों को इलाहाबाद में, लाखों को हर जगह पूरा डिस्ट्रिक्ट में राशन बांटा है, और राशन के अलावा उनको पकाया हुआ खाना बांटा है, पानी बांटा है, सब कुछ बांटा है। बला समरिया है, अभी भी लोग सेवा कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, हो सकता है हम उतना रोड पर जाकर सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जरूर इतना तो कर सकते हैं, हमें प्रार्थना करनी उनके लिए। हमारी प्रार्थना यही होगी, जैसे निर्गमन में जो मरुभूमि में लोग चल रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, मूसा ने प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना? हे पिता, तेरे बच्चे भूखे प्यासे परेशान पीड़ित हैं, उन पर तू दया कर, उन्हें तू सुरक्षित रख, उन्हें तू संभाल। इतना तो हम कर सकते हैं। वी मे नॉट बी एबल टू डू मच, बट वी मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट देम। हमें उनकी चिंता करना, और ये चिंता को प्रार्थना के द्वारा हमें व्यक्त करना है। तो सेवा हमारा मिशन है। सेवा के अलावा संवाद हमारा मिशन है। संवाद हमारा मिशन है। हमारा ये देश जो है
बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहुधर्मी ये देश है। पिछले कुछ सालों से तनाव है, धार्मिक समुदायों के बीच में तनाव है, द्वेष है, इसके अलावा नफरत है, विभाजन है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिवाइड डाइवर्ट एंड डिस्ट्रॉय, डिवाइड डाइवर्ट एंड डिस्ट्रॉय। और इसका नतीजा क्या होता है, जब द्वेष है, नफरत है समुदायों के बीच में, ये दंगे बन जाते हैं। दिल्ली का दंगे के बारे में आप सुना होगा, कितना कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान। लगता है कभी कभी इंसान जानवर बना है, इंसान अंधा बन जाता है, इंसान जानवर बन जाता है। तो हमारा दायित्व है, हमारा मिशन है संवाद, अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ उठना बैठना, वार्तालाप करना, उनके साथ काम करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं हमारे कलीसिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, चार दीवार के अंदर बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर चार दीवार के अंदर। समय आ गया है हमें दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना है, अन्य धर्मावलंबियों के साथ मिलकर काम करेंगे तब इसका असर पड़ेगा, समाज में पड़ेगा, देश में पड़ेगा। तो संवाद की अति आवश्यक है, संवाद से ही सद्भावना, संवाद से ही सेवा, संवाद हमारा मिशन। इसके अलावा प्यारे भाई बहनों, संघर्ष भी हमारा मिशन है, संघर्ष भी हमारा मिशन है। लोग, हम लोग जो न्याय और सत्य के लिए खड़े होते हैं, सुंदर उदाहरण है सेंट ऑस्कर रोमेरो, रानी मरिया, जिन्होंने जान दी न्याय के लिए, सत्य के लिए। इनके अलावा केवल हमारे धर्म में नहीं, अन्य धर्मों में भी अच्छे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं तीन नाम को गिनती कर रहा हूं आपके सामने। गौरी लंकेश का नाम आपने सुना होगा, सुधा भारद्वाज का नाम आपने सुना होगा, और बुजुर्ग फादर रांची के स्टैन लूथस्वामी, जेजुइट फादर 90 साल के, उसको अभी भी परेशान किया जा रहा है, आदिवासी हक के लिए वो लड़ रहे थे। और इसके अलावा केवल गौरी लंकेश नहीं, सुधा भारद्वाज नहीं, स्टैन लूथस्वामी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लंबी लिस्ट है हमारे पास, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इनको क्या किया जा रहा है, बहुत से लोगों को मार डाला जा रहा है, बहुत से लोग अभी भी जेल में बंद है, जेल में बंद है, निर्दोष लोग जो हक के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए और सत्य के पक्ष में रहते हैं, संघर्ष करते हैं। संघर्ष भी हमारा मिशन है। यीशु मसीह ने जन्म से लेकर क्रूस तक संघर्ष किया, और क्रूस में यह संघर्ष चरम सीमा पर पहुंचता है और प्रभु यीशु बलि बनते हैं। तो मैंने बताया, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताना, सेवा भी हमारा मिशन है, संवाद भी हमारा मिशन है, संघर्ष भी हमारा मिशन है। कई पहलू है मिशन के। इसके अलावा संत पोप फ्रांसिस ने, पापा ने, हर ईसाई को एक नई पहचान दी है, एक नई पहचान, एक नई अस्मिता। ये क्या नई पहचान, क्या अस्मिता, क्या है अस्मिता, ये है, पहचान ये है, हर ईसाई मिशनरी डिसाइपल है, हर ईसाई मिशनरी। तो हमारा आईडी क्या है, आप याद रख सकते हैं, हमारा आईडी एमडी है, हमारा आईडी एमडी है, मिशनरी डिसाइपल्स, वी आर मिशनरी डिसाइपल्स। और एक बात संत पापा ने, बहुत महत्वपूर्ण बात मिशन के बारे में कहा, जिसको अभी तक किसी ने नहीं कहा और कलीसिया के मिशन दस्तावेज में कहीं नहीं मिलता है, ये क्या बात है, रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट ऑन मिशन। एक ऐसी बात संत पापा ने हमें बताई, क्या है ये, है ये है, आई एम मिशन, नॉट आई हैव ए मिशन, माई मिशन हूं, ना कि मेरे पास एक मिशन है। यू आर मिशन, नॉट यू हैव ए मिशन, कि आपके पास एक मिशन है, ये नहीं, आप मिशन है, खुद मिशन है। लाइफ इज मिशन, नॉट लाइफ हैज ए मिशन, कि जीवन में एक मिशन है, ऐसा नहीं है, जीवन ही मिशन है। आई एम मिशन, यू आर मिशन, लाइफ इज मिशन, माई मिशन हो, तुम मिशन हो, लाइफ मिशन है, मिशन है। क्योंकि मिशन और हमारी अस्मिता, हमारी आइडेंटिटी, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, हमें यह भी सोचना है, जब इवेंजलाइजेशन मिशन के बारे में हम सोचते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। होली स्पिरिट इज द एजेंट ऑफ इवेंजलाइजेशन, एजेंट ऑफ मिशन। हम क्या हैं, हम अयोग्य सेवक,
हम साधन मात्र हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा मिशन पूरा होता है। हम नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा करता है। इसलिए वो एजेंट ऑफ इवेंजलाइजेशन पवित्र आत्मा की जरूरत है। मिशन को पूरा कर हम अपने से नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु कहते हैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा यरूशलेम में ठहरे रहो, रुके रहो। और पवित्र आत्मा आने वाले इतवार को पेंतेकोस्त है, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरेगा, कलीसिया का जन्म होगा और वहां से प्रेरित बाहर निकल पड़ेंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे हर जगह, हर जगह हर वक्त सुसमाचार का प्रचार। तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और ये पूरा हफ्ता आज से लेकर आने वाले इतवार तक ये प्रार्थना का समय है, ये इंतजार का समय है। हम बड़े प्रार्थना के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, दिल खोल के हम इंतजार करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरे, हमारे परिवार में उतरे, हमारे समाज और देश और विश्व में उतरे और पूरा विश्व को, हमारा समाज को, हमारे समुदायों को, हर प्रत्येक को नया बना दे। हम इंतजार करते हैं। तो आने वाला हफ्ता प्रार्थना का समय हो, इंतजार का समय हो, ताकि बहुत बड़ा वरदान प्रभु यीशु स्वर्ग से अपने पवित्र आत्मा को भेजेगा, उसको हम ग्रहण कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। कृपया खड़े हो जाएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई बहनों, अपने सांसारिक मिशन पूरा करने के बाद यीशु अपने पिता के पास स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के रूप में नामांकित हुए और वहां से वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा धर्म संघियों के लिए कि वे यीशु द्वारा दिए गए महान मिशनरी कार्यों को भली भांति पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए कि कलीसिया ईश्वर के राज्य का संकेत बन जाए, जिसे यीशु ने अपनी जीवन और मिशन के माध्यम से स्थापित किया है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व संचार दिवस हमें संचार माध्यमों से ईश्वचन को फैलाने की जिम्मेदारी को समझने में हमारी सहायता करें और हम पूरी क्षमता के साथ उनका सही उपयोग कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया में संचार माध्यमों का उपयोग सिखाने, सूचित करने, धर्म ग्रंथों को संपादित करने और विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने में उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सब के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के स्वर्गारोहण का उत्सव हमें ईश वचन को फैलाने के लिए प्रेरित करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ा समय मौन होकर हम अपने निजी निवेदन प्रभु को सुनाएं। हे प्रेमी दयालु पिता, हम तेरे बच्चे हैं, तू हमें बेहद प्यार करता है। हम पापी हैं, कमजोर हैं, फिर भी तेरे प्रेम पर हम विश्वास करते हैं। इसके द्वारा हमने जो प्रार्थना आपके सम्मुख रखी है, इसको तू कृपया स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए मेरा और आप लोगों का बलिदान पिता परमेश्वर ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तुम्हारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रेमी दयालु पिता, जो बड़े विश्वास के साथ तेरे एकलत पुत्र हमारे तारण हारा के स्वर्गारोहण की यादगारी मना रहे हैं, उन्हें ऐसी कृपा दे वे आध्यात्मिक रूप से अभी ही स्वर्ग में होने का अनुभव कर सके। या प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे ता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आरोहण करते हैं। ये है ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता, स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया, जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुँच गए, वहीं हम भी एक दिन पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु,
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संपर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संयोग धर्मियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलिसिया की सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरितों, शहीदों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन। बड़े प्यार और श्रद्धा से पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
हे पिता, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है, जो हमें बल, शांति, आनंद और जीवन देता है। धन्य स्मृति भोज के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु ईश्वर कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु येसु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। Thank you.
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी दयालु पिता, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहण यीशु क्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं, हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सकें, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज ईश्वर के एकलत पुत्र ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए वहीं पहुंचने का द्वार खोल दिया। इन्हीं का सर्वशक्तिमान पिता आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। इसी भांति न्याय के दिन जब वे आएंगे तो आप लोगों को भी प्रसन्न चित्त दर्शन दें। आमीन। प्रभु यीशु परमपिता की दाईं ओर प्रताप में विराजमान है। आप लोग भी जगत के अंत तक यह अनुभव करते रहें, वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप लोगों के साथ हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।